बारे में बताने की शुरुआत करता हूँ। ये जो साझा झूला था है मेरे फादर स्वर्गीय हरबंस सिंह भाटिया जी के द्वारा 1997 में स्टार्ट किया गया और काफी छोटे छोटे स्तर पे हमने इस कार्य को चालू किया और धीरे धीरे मेहनत करके सब मिलजुल के परिवार के साथ सारा काम हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। 2002 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उसके बाद मैं और मेरी माता जी मिलकर इसका संचालन करते हैं। मेरे पिताजी जो थे उनका एक ही मतलब ऐसा वो बोलते थे कि जो भी आए हमारे सांझा झूला तो अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे हमको खाना खिलाना है, उसकी पूरी हेल्प करनी है जितनी अपने से हो सके। तो आज भी उस बात पे मैं अडिग हूं कि जो भी हमारे यहाँ आता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ और जितना हो सके अगर मैं तो उसको खाना खिलाया जाता है और जो है उसकी मदद की जाती है। लगभग 4 वर्ष पूर्व जो है हमने इस साझा झूला को और एक्सटेंड किया और इसमें रिदम पार्टी हॉल जुड़ा और एक साइड साझा झूला चलता है, एक साइड रिदम पार्टी हॉल चलता है। और साझा झूला में आप जो है स्पेशल नॉनवेज वेज नॉनवेज दोनों डिशेस आपको अवेलेबल मिलती है। उसमें आप रेस्टोरेंट में एक ढाबे के स्टाइल का जो खाना है वो आपको सर्व होता है और नॉनवेज में हम जैसे देसी चिकन होता है जो घर जैसा बनता है वो हमारी स्पेशलिटी है और पनीर टिक्का हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बनता है और पंजाब के छोले कुलचे हमारे यहाँ काफी या मैंने कल ही खाया। अब इस ठंड में आपको मक्के की रोटी सरसों का साग खिलाने का भी समय आएगा, अभी तो बताने का समय तो ये खिलाने के लिए बता रहा हूँ। ये और जो मैं खुद जो बताता हूँ जो हमारे यहाँ जो सूप बनता है वो उसका एक अलग ही हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वो रहता है। आपके बोन्स के में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो बोन्स का जो सूप बनता है जो संदीप जी ने बताया पाया सूप तो वो हमारी स्पेशलिटी है। वो मैं बताना नहीं चाहता था पर आपने बता दिया तो मुझे याद है, थैंक यू। तो ये हमारा ये और हमारे रिदम पार्टी हॉल में आप 35 से 40 लोगों का गेट टूगेदर कर सकते हैं। उसमें अलाकांट में आप हॉल बुक कर सकते हैं, बैठ के ऑर्डर भी दे सकते हैं। कोई भी छोटी मीटिंग हो, छोटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किटिंग पार्टी हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो आप वहाँ बड़े आराम से कर सकते हैं। पूरा इकोस्टिक हॉल है, साउंड प्रूफ है, काफी अच्छे से उसका इंटीरियर किया गया है तो वो आप जो है वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आउटडोर केटरिंग भी करता हूँ। आउटडोर केटरिंग में मैरिज फंक्शन, बड़े फंक्शन, छोटे फंक्शन, जिस भी प्रकार का फंक्शन हो वो मैं सारे जो है सारे प्रकार के फंक्शन आउटडोर केटरिंग करता हूँ। इसके अलावा हमारा जो है बल्क जो है पार्सल ऑर्डर जैसा होता है, अगर शासकीय विभाग जो है हमारे जो हमारे अंडर में जो कई शासकीय विभाग जैसे रेलवे है या पुलिस डिपार्टमेंट है और भी शासकीय विभाग है, इसमें बल्क में ऑर्डर जो एक साथ 1000 थाली 500 थाली जैसे जो ऑर्डर आते हैं वो हम एट ए ग्लांस अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी VIP मूवमेंट होता है पुलिस विभाग तो उसमें रात को 8 बजे आपको ऑर्डर देंगे और बोलेंगे कि सुबह 8 बजे आपको ऑर्डर प्रेजेंट करना है तो वो हम 1000 थाली का रात को 8 बजे ऑर्डर लेते हैं और सुबह 8 बजे हम उनको प्रेजेंट करना तो मेरा बताने का यही मतलब है कि आप लोगों को किसी को भी अगर बल्क में पार्सल ऑर्डर अगर कभी भी किसी का हो तो प्लीज मुझे उन लोगों से भी कनेक्ट करना। इसके साथ साथ जो है मैं टैक्सी और ट्रेवल्स का भी काम करता हूँ और ऑटो डील का भी काम करता हूँ। तो वन वे की अगर आपको रायपुर एयरपोर्ट की बुकिंग कभी भी किसी को अवेलेबल हो टैक्सी तो मैं बड़े कंफर्टेबल प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। और पुरानी गाड़ी सेल परचेज जो व्हीकल होते हैं वो भी आपको मैं अच्छे कंफर्टेबल रेट दिला के आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो है एक बार जो है बहुत समय पहले की बात है, मिल्खा सिंह जी को बिलासपुर आना था तो हेलीकॉप्टर का अरेंज करवाना था तो वो भी मैंने अरेंज करवा दिया था। तो मेरे कहने का मतलब मुश्किल नहीं,
मतलब होना ही होना है, 100% गारंटी है। तो मैं इस चीज पे हमेशा अपने बात पे अडिग रहता हूँ कि जो करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये, और इसके साथ साथ हम सेवा का काम भी बहुत करते हैं। ये जो पिछले जो 2 वर्ष जो बीते हैं हमारे, वो कमाने का समय नहीं था, वो काम आने का समय था। वेरी गुड, कमाने का नहीं, काम आने का। हमारा रेस्टोरेंट साझा निकला जो है, ईश्वर की कृपा से कभी बंद नहीं हुआ। हमने शुल्क निशुल्क सभी प्रकार की सेवा की है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, ऐसा भी नहीं किए हैं, वो सब बिना उसके भी किए हैं। जो भी जिस प्रकार की भी जरूरत हो, किसी को फल, किसी को सब्जी, किसी को दवाई, कुछ भी, 24/7 मेरा फोन कॉल चालू रहता था। मैं खुद जाके पर्सनली खुद दे के आया, मैं अपने आप, क्योंकि उस समय स्टाफ भी कम होते थे। तो ये जो है हमारे द्वारा किया जाता था, और हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई होती थी। और कई कोविड पेशेंट्स थे जो जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते थे या कोई यहाँ नहीं होते थे, तो बाहर से फोन कॉल्स आते थे, मैं खुद जाके दे के आता था, क्योंकि स्टाफ नहीं होते थे। Excellent, तो पूरा जो कार्य है ये मेरे द्वारा किया जाता था। और इससे जो 2 वर्ष पूर्व, मतलब कोविड से 2 वर्ष पहले, सिम्स में हर संडे को हमारे समाज के द्वारा लंगर चलाया जाता था। उसमें लगभग 500 से 1000 लोग रहते थे सिम्स में। तो उसमें पूरी सब्जी और जो भी वगैरह जो है वो समाज के द्वारा दिया जाता था। हमारे सांझा चूल्हा की तरफ से हर संडे पुलाव की सेवा की जाती थी। तो ये 2 वर्षों तक ये लगातार चला, कोविड के समय बंद हो गया। उसके पास बताने का मतलब ये है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सबको सेवा करनी चाहिए। इसका कोई ये नहीं कि आप कि कुछ नहीं, क्योंकि जितनी आप ज्यादा सेवा करोगे उतना ज्यादा आपका मन प्रसन्न होगा। क्या है, पैसा किसी भी प्रकार से आ सकता है। पैसा आप कोई वर्कर है उसको आप सैलरी दे सकते हो, बैंक से आप लोन ले सकते हो, लेकिन आप जब किसी की मदद करोगे तो सिर्फ खुशी ही मिलेगी। तो पैसे की यही परिभाषा है कि जितनी आप मदद करते जाओगे उतनी आपके अंदर खुशियां बढ़ती जाएगी। तो ये पैसे का जो महत्व जो मैं समझता हूँ, क्योंकि और सबसे जो मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे जो मेन है वो है स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्या है, आप चाहे जितना पैसा कमा लो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका पैसा किसी काम का नहीं। आप पैसा जो कमा रहे हो, मैं गलत जरूर बोल रहा हूँ, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के काम आएगा अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे। तो आपका मेन 24 घंटे सबके पास होते हैं, किसी के पास 26 नहीं होते। आपने सोचा है तब आप सब यहाँ बैठे हो, क्योंकि आपको आना जरूरी था। तो ये जो जरूरी चीज है ये अपने हेल्थ के लिए भी होनी चाहिए। कम से कम 1 घंटा आपको करना चाहिए, 1 घंटे काम कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके भाग्य का है वो कोई लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले जिस प्रकार भी मिलेगा। पर आप अगर अपने शरीर के प्रति अगर आज सजग नहीं हो तो आने वाले समय के लिए आपका इसका कोई वो नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपना व्यर्थ है, मतलब मेरे समझ में। बाकी हर आदमी का अपना अपना सोच है, किसी की सोच आप बदल नहीं सकते। तो मैं जो है ये लगभग 2 वर्षों से योगा कर रहा हूं, जो कि मेरे आसन जो है काफी हाई इंटेंस वाले होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 40 के बाद जो है वो आप हाई इंटेंस वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। पर मैंने ये 1.5 साल में ही इतना किया है, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। और ऐसा लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आप बहुत अच्छा कर लेते हो, पर मेरा ये मानना है कि मैं 10-15% ही हूं। तो जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। पर आपको इसमें मेन लगन होनी चाहिए कि आपका कितना, आप अपने मन से कितना लगन करते हो, क्योंकि आप अपने आप को यही होना चाहिए कि आज जो है वो कल से बेहतर होना चाहिए। आदमी क्या है कि आज तो सोचता है सो गया बस, आज सो जाते हैं। होता क्या है कि हम जो है अलार्म रोज लगाते हैं, पर उस अलार्म को 7:20 को फिर 7:25 कर देते हैं। तो जो ये 7:25 हुआ यही सबसे नुकसान है। वो 5 मिनट जो है वो जो रात को आप सोचे हो वो सुबेरे 5 मिनट खत्म कर। तो 7:20 नहीं उठना, 7:25 का लगाओ, दिक्कत क्या है, 7:25 का ही लगाओ ना। पर आप उसको आप 7:20 का लगा के फिर 10 मिनट, ये आप अपने आप को वही फेल कर दिया। आप किसी भी काम में सक्सेस, क्योंकि आपने पहले ही आपने आगे कर दिया उसको। तो अगर आपको कोई भी काम करना हो, ना कि हेल्थ से, तो अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है तो वो आपने अपने आप को पीछे ले गया। मेरा ऐसा मानना है, हर आदमी की अपनी सोच है, आपको कोई वो नहीं। और मैं साइकिलिंग, रनिंग, योगा और मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता हूं लोगों को, उसके लिए आगे बोलता हूं कि भाई अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अपने तरफ से लोगों को मोटिवेट भी करता हूं। योगा की ट्रेनिंग फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी में वीक में 2 दिन जाता हूं, वो ट्रेनिंग भी देता हूं। तो मेरा सॉरी नेक्स्ट 2 मिनट्स हाँ यार
2 मिनट में, नहीं कोई बात तो योगा की ट्रेनिंग देता हूँ और लोगों को ये माउंटेन ट्रैकिंग करता हूँ तो सब साथ में लेके जाता हूँ लोगों को, सबको प्रेरित करता हूँ। तो इसका यही मकसद है कि मेरा सबसे यही मकसद है कि आप सबको मोटिवेट करना है, तो मैं यही आपको बोलूंगा। और मैं मेरा आप लोगों के लिए ये है कि आप मुझे किसी से भी कनेक्ट करा सकते हैं, जिससे आपको बैंक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे जिनको भी बल्क में ऑर्डर है उनसे आप मुझे कनेक्ट कराएं। और आपको मैं जिस भी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको आईसी से लेके यहीं तक, आपको रेलवेज में, आपको हेल्थ में, अपोलो के डॉक्टर्स हैं उनसे मैं आपको हेल्प, जो भी आपको नीड है मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं 24/7 सबको बोल के रखता हूँ, क्योंकि मैं काम दिल से करता हूँ, दिमाग लगाने का काम, दिमाग तो जिसको लगाना लगाता है, अपना काम दिल से, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, भले आप कोई कुछ सोचे क्या होता है, आप किसी के प्रति ज्यादा बोलते होता है, इसकी कोई जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत ऊपर वाला को पूरी कर देगा, मेरा काम ठीक है। पर क्या है कि आप पर आज के समय ऐसा है कि आप किसी को अगर बोल दोगे तो आपके प्रति नेगेटिव हो जाता है, क्या बात है, क्यों ज्यादा इतना इंट्रैक्शन कर, अपना अपना नेचर है। तो मैं अपने नेचर से यही बता रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको सब मेरा ये अच्छा लगा होगा इतना।